पर आसीन श्री यतेश चंद्र सोनकर जी, श्री राम सजीवन निर्मल जी, कैलाश चंद्र केशरवानी जी, अशक्ति लाल चौधरी जी, श्री धान सिंह यादव जी, दया शंकर यादव जी, विनोद केसरा जी, श्री प्रकाश पटेल जी, डॉक्टर असलम जी, जरीना उस्मानी जी, जूही सिंह जी, जया बच्चन जी, और मंच पे जितने भी लोग मौजूद हैं, और मेरे सामने समाजवादी के सभी कार्यकर्ता, हमारे आदरणीय बुजुर्ग, हमारी माताएं, मेरी प्यारी बहनें और हमारे पत्रकार बंधुओं, हम सभी जानते हैं कि 2022 का चुनाव हो रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है कि नहीं। जो लोग अनाप शनाप बोल रहे हैं, अब उनको समझ आ गया कि हवाएं बदल गई हैं, मौसम बदल गया है और समाजवादी और गठबंधन की सरकार आ रही है। हमारी प्रत्याशी पल्लवी पटेल जी, जानते हैं, इस बार तीन बहुएं एक साथ आई हैं। सरातू की बहू पल्लवी पटेल जी, इलाहाबाद की बहू हमारी आदरणीय जया बच्चन जी, और मैं यूपी की बहू कह लूं अपने आप को, यूपी की बेटे ने तो, सरातू के बेटे ने तो धोखा दे दिया, दिया कि नहीं दिया। अब मेरा मानना है कि सरातू की जनता अपनी बहू को मौका देने वाली है, और ये बहू जो एक परिवार है जिनका, जो जानती है परिवार कैसे चलाना है और जो समझती है परिवार का दुख दर्द, वह ये जिम्मेदारी लेने को तैयार है और आप सबकी जिम्मेदारी लेने को तैयार है। और मुझे पूरा भरोसा है कि पल्लवी जी जो पढ़ी लिखी है, जमीन से जुड़ी है, सरातू के सम्मान के लिए जमीन पर तो बैठ जाएंगी, लेकिन अपने आत्मसम्मान को कायम रखेंगी और कभी भी स्टूल पे नहीं बैठेंगी। पल्लवी जी ही सरातू को पल्लवित करने का काम करेंगी, और जया जी जन घोष करने आज यहाँ पे आई है, और मुझे पूरा भरोसा है कि सरातू की जनता साइकिल का बटन दबा के इतने वोट देंगे कि मंत्री जी भी शर्मिंदा हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे? गुंडागर्दी की बात करते हैं समाजवादियों के लिए ये लोग कि नहीं करते? बताइए मंत्री जी पे कौन कौन से मुकदमे लगे हैं? ऐसी सरकार देखी है जिसने, ऐसे मुख्यमंत्री जिसने अपने ही मुकदमे हटाए हो, और उप मुख्यमंत्री जिन्होंने अपने ही मुकदमे हटाए हो, ऐसे कहीं पे हुआ है किसी भी प्रदेश में जहाँ पे ऐसी संगीन धाराएं लगी है, और वो मुख्यमंत्री बनने के बाद, उप मंत्री बनने के बाद अपने ही धाराएं और अपने ही मुकदमे हटाए हो? तो जो लोग दूसरों पे इल्जाम लगाते हैं, वो पहले अपने गरिबान में झांक के देख ले कि उनके क्या हाल है। जनता, नौजवान, माताएं बहने ऐसी सरकार बनाने जा रहे हैं जो नौकरियां देने वाली है हमारे युवाओं को, जो महिला सुरक्षा पे काम करेंगी। जो गलत फहमी ये लोग फैला रहे हैं महिला सुरक्षा के नाम पे, मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि 2000 के जो आंकड़े थे एनसीआरबी के, उसमें महिलाओं के साथ जघन्य अपराध कम हुए थे, और इन 5 सालों में जो आंकड़े आए हैं वह आंकड़े बहुत ही दर्दनाक है। हम जानते हैं कैसी कैसी घटनाएं आज महिलाओं के संग हो रही है, और बगैर इसके कि इन महिलाओं का साथ दिया जाए, उनके परिवार वालों को प्रताड़ित किया जाता है। क्या हाथरस की जनता घटना भूल जाएंगे क्या हम लोग? क्या जनता हाथरस की बेटी को भूल जाएगी? हम जानते नहीं है कैसे उसको जला दिया गया था रात को, और उसको उस अंतिम संस्कार जो एक हिंदू का धर्म है, एक अधिकार है, उसको भी वो नहीं करने दिया गया था ना? और उनके परिवार वाले को जो प्रताड़ना दी गई थी, जनता ने सब देखा है। और वही उन्नाव की बेटी के साथ जो हुआ था, वो भी जनता नहीं भूलेगी। उसके पिताजी को पुलिस वालों ने जेल में डाल के मार मार के उसको मार डाला, इतना पीटा कि वह बच नहीं पाए।
तो मैं समझती हूँ जनता तैयार है ऐसी सरकार हटाने के लिए जो जुल्म करती है, जो सितम करती है, जो जातिवाद फैलाती है। क्या आप सब लोग तैयार हैं? ये जो चुनाव होने जा रहा है ये खाली पल्लवी जी का ही चुनाव नहीं है, ये मेरा भी चुनाव है। आप क्या हमारा सम्मान रखेंगे कि नहीं रखेंगे? दयाशंकर जी बताइए। चलिए, आप सबकी जिम्मेदारी है कि पल्लवी पटेल जी को इतने वोटों से जिताना है कि यहाँ के मंत्री जी भी शर्मिंदा हो जाएं। ये ऐसे करने से नहीं चलेगा, मैं देखूंगी। सरातू, ये मेरा पहला प्रचार है और मैं आप लोगों से वादा करेंगे, वचन दे रहे हैं कि इन्हें जिता के भेजेंगे। ये मेरी बहन जैसी है और मुझे पूरा विश्वास है ये महिलाओं का सम्मान और हक की बात रखेंगी, हमारे किसान भाइयों की बात रखेंगी, युवाओं की बात रखेंगी और मुझे पूरा भरोसा है कि आप पल्लवी जी को अपना पूरा समर्थन देंगे। बहुत सारी बातें मैं कहना चाहती हूँ। ये सरकार जो मौजूदा सरकार है डबल इंजन की सरकार है, ये बताइए कि जंग का रंग क्या होता है? जब जंग लग जाता है लोहे में, इंजन की बात हो रही है तो लोहा ही इस्तेमाल होता है इंजन बनने में, जंग का रंग क्या होता है? हाँ, कौन सा रंग होता है जंग का? मुझे लगता है जिस रंग के हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री कपड़े पहनते हैं उसी रंग का होता है। तो ऐसे जंग वाले इंजन को हटाने का समय आ गया है और यूपी को वापस पटरी में लाने का समय आ गया है। और मुझे पूरा, और ये चुनाव कोई हमारा चुनाव नहीं रह गया है, ये चुनाव तो जनता लड़ रही है, जनता तैयार है ऐसे जंग वाले इंजन को हटाने के लिए और ऐसे इंजन को लाने के लिए जो उत्तर प्रदेश को एक संपन्न प्रदेश बनाएंगे, जो उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने की बात करेंगे, जो हमारे किसान भाइयों की बात करेंगे। आपने देखा कैसे हमारे किसान भाइयों ने 700 किसान भाइयों की जान गई कि नहीं गई? इन लोगों को कोई पश्चाताप नहीं है, कोई पश्चाताप नहीं है। इन लोगों के दिलों में रहम नहीं है, इन लोगों के दिलों में भावनाएं नहीं है। ये खाली लोगों की भावनाओं से खेलते हैं वोट पाने के लिए और बाद में सब भूल जाते हैं कि नहीं भूल जाते? हमारी युवाओं को कितनी नौकरियां मिली? हमारा किसान के अगर दो बेटे और एक बेटी होती है, एक बेटा किसानी करता है, एक बेटा फौज में जाता है कि नहीं जाता है? फौज की नौकरियां निकाल पाए कि नहीं निकाल पाए ये लोग? और आने वाले समय में अगर ये निकालेंगे भी तो ये संविदा में रखना चाहते हैं हमारे नौजवानों को। और जो एक बेटा तो फौज में जा नहीं सकता और दूसरे बेटों को रात रात भर जग के खेती करनी पड़ रही है कि नहीं करनी पड़ रही अपने खेतों की? चौकीदार बना दिया कि नहीं बना दिया अपने खेतों का? और बेटी को कहां से पढ़ाएगा किसान अपनी, बताइए? आमदनी दुगने करने की बात हुई कि नहीं हुई थी? महंगाई इतनी बढ़ा दी कि आमदनी तो आधी ही रह गई। अब बताइए कहां जाए युवा, कहां जाए किसान और महिलाएं भी कहां जाए? मैं समाजवादी पार्टी की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं होता है, तो मैं आज ये आप सबको विश्वास दिला के जा रही हूँ कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो जैसे हमारे घोषणा पत्र में कहा गया है, खासकर महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण दिया जाएगा सभी सरकारी नौकरियों में। कन्या विद्याधन 12वीं पास कर लेंगी हमारी बेटियां तो उनको एक मुश्त राशि दी जाएगी 36,000 रुपए की। इसी के साथ बीपीएल परिवार की महिलाएं जो प्रसव के समय 15,000 रुपए की राशि दी जाएगी ऐसी महिलाओं को, और हमारी बेटियों को और हमारी बेटियों की शिक्षा केजी से लेके पीजी तक मुफ्त की जाएगी। जो हम पेंशन देते थे अपनी महिलाओं को, पेंशन मिलती थी कि नहीं पेंशन मिलती थी? आने वाले समय में
एक करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को पेंशन देनी पड़ेगी, तो ये पेंशन हम देंगे और यह पेंशन हम 500 रुपए से बढ़ा के 18,000 रुपए प्रति माह देंगे, जो सीधे महिलाओं के अकाउंट में जाएगी। और लैपटॉप मिले यहाँ पे किसी को? हमने सुना था लखनऊ में फोटो खिंचवाने के लिए कार्यक्रम कराया गया जहाँ पे फोन और लैपटॉप बांटे गए, लेकिन आखिरी में चुनाव आने से पहले जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, और जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो सब बच्चों को लैपटॉप देने का प्रावधान भी रखा गया है और दिया गया है, और आने वाले समय में फिर देने का काम किया जाएगा। इसी के साथ जितने भी हमारे किसान भाइयों ने अपनी जान खोई है, जो शहीद हुए हैं हमारे 700 किसान भाई और बुजुर्ग जन, उनको 25-25 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। और जिन किसान भाइयों की मृत्यु हुई है सांड के द्वारा, सबसे प्रिय जानवर कौन सा है हमारे मुख्यमंत्री जी का? तो जिन हमारे किसानों की मृत्यु हुई है सांड के द्वारा, उनको भी 5 लाख राशि दी जाएगी। सभी दो पहिए वाहन मालिकों को प्रति माह 1 लीटर पेट्रोल तथा ऑटो रिक्शा चालकों को 3 लीटर पेट्रोल व 6 किलो CNGC मुफ्त दी जाएगी। और 3 सिलेंडर साल के मुफ्त महिलाओं को दिए जाएंगे। इन लोगों ने कनेक्शन तो दे दिया और सिलेंडर की कीमत कितनी बचा दी बताइए? उन कनेक्शन का कोई काम है अब? तो समाजवादी पार्टी आने सरकार आने पे हर महिलाओं को 3 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। और इसी के साथ महिला सुरक्षा को लेकर मैं कहना चाहूंगी कि समाजवादी पार्टी सरकार के आने के बाद हम महिला सुरक्षा पे खास तौर पे काम करेंगे और हर गांव में CCTV कैमरा लगाने का काम करेंगे, और एक पूरी, जिस तरह हमारे पुलिसकर्मी यहाँ खड़े हैं, तो पूरी महिला सुरक्षा इकाई बनाई जाएगी महिलाओं के लिए। पूरी पुलिस में एक अलग से इकाई बनाई जाएगी महिलाओं की, जिससे कि वो महिलाओं के दुख दर्द को समझेंगे और उनको एक ऐसा। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगी कि यह चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है कि नहीं? ये युवाओं का चुनाव है, ये हमारी बेटियों का चुनाव है, ये हमारे किसानों का चुनाव है, ये हमारे सभी लोगों का चुनाव है, और बढ़ चढ़ कर इस चुनाव में हिस्सा लीजिए और ऐसे हराइए यहाँ के मंत्री जी को कि उनको भी शर्म आ जाएगी कहाँ वो पल्लवी पटेल जी के सामने आ गए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब यहाँ समाप्त करती हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमारा मान सम्मान रखेंगे और पल्लवी जी को बहुत अच्छी तरह से जिता के भेजेंगे। धन्यवाद।